सो कोकोनट चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्लाइस्ड कोकोनट, फुटाना भी बोलते हैं इसको, ये रोस्टेड चना, स्प्लिट चना है, फुटाना, करी पत्ते, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज, नमक, ये वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है छौंक लगाने के लिए, राई, सरसों या ब्लैक वाली ले सकते हैं, ये भी तड़के लगाने में ब्लैक हो जाएगी, और मैं जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप खड़ा जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, ये रोस्टेड जीरा पाउडर नहीं है, ये नॉर्मल जीरे का पाउडर है विदाउट रोस्ट। उड़द दाल, ये भी छौंक लगाने के लिए चाहिए, एक कप पानी ग्राइंड करने के लिए, इमली लगेगी थोड़ी सी, इसको मैं अभी पानी में भिगा के रख दूँगी, वॉश करना है इसको एक बार पहले, बहुत थोड़े से पानी में भिगाइए इसे। आई एड, इसमें हम डालेंगे, इसी सीक्वेंस में अगर आप डालते हैं तो आपको इजी होगा ग्राइंड करने में। नमक इसमें कम डालिएगा, कम नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि जो फुटाना होता है उसमें भी वो भी थोड़ा नमकीन होता है, तो अभी इतना ही नमक डालेंगे, बाद में टेस्ट करके और डाल सकते हैं। अभी इसको हमें डायरेक्टली ग्राइंड करना है, बिना पानी के ग्राइंड करना है पहले, तो ये अच्छा बारीक ग्राइंड हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। इसमें मैंने हाफ कप पानी डाला है और जो हमने इमली भिगाई थी वो डाल दी है। अब इसको हम और फर्दर ग्राइंड करेंगे, ये इतना ग्राइंड हुआ है बिना पानी के, देखिए ये हाफ कप पानी था, ये मैं फुल इसमें डाल देती हूँ, तो टोटल 1 कप ऑफ वाटर लगा हमें। आपको इतनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसमें और पानी मत डालिए, अगर आपको और थिन कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी तो आप इसमें और 1/4 कप पानी डाल के इसे फर्दर थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। इसे मैं बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। छौंक लगाने के लिए इसमें मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, 2 tablespoons ऑफ कोकोनट ऑयल, ये वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है। इस समय इसमें आप नमक चेक कर लीजिए, पहले हम इसमें ये उड़द दाल डालेंगे, राई, इस समय इसमें खड़ी लाल मिर्च भी डाली जा सकती है कि इतना लाल होने तक हमें कुक करना है। इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर, सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जीरा पाउडर के बाद करी लीव डालिए, रेडी टू बी सर्व्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।